नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी अभी आप सभी छात्र लोग का RPF SI कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड को दोस्तों फाइनली अभी अभी जारी कर दिया गया है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप सभी छात्र लोग अपना जो एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार से चेक करेंगे, कहां से आपको लिंक मिलेगा और कैसे आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल के गूगल पे और गूगल पे आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा जानकारी अपडेट। आपको ये लिख के आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और जैसा कि आपको हम दिखा दें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जानकारी अपडेट, ठीक है, आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। फिर आप सभी को थोड़ा सा नीचे आना होगा और नीचे आने पर जैसा कि आपको हम दिखा दें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड और इसके ठीक नीचे आपको थोड़ा सा आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है RPF कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2024, ठीक है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। फिर आप सभी को थोड़ा सा नीचे आना होगा और नीचे आने पर जैसा कि आपको हम दिखा देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट लिंक, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड RPF कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2024 और यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। तो आप सभी छात्र लोग अपना अपना पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यानी कि पासवर्ड में आप लोग अपना अपना डेट मंथ और ईयर डालेंगे और उसके बाद आप लोग यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है लॉगिन करें यानी कि लॉगिन पर क्लिक कर देना है और वहां पर आप लोग जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी तक आप लोग ने अपना एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड नहीं किया है तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम सिटी स्लिप और यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक है, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके आप लोग अपना एग्जाम सिटी को चेक कर पाएंगे कि आपका जो एग्जाम है वो किस सिटी में लेने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।